अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इफ़त और आप देख रहे हैं इफ़त इमरान यूट्यूब चैनल। तो जनाब, आज मैं बना रही हूं अपनी किचन में मज़ेदार सी और बहुत ही चैन इंग्रेडिएंट में बनने वाली आलू की कतलियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल गर्म हो रहा है, यहां पे हाफ कप ऑयल है। अब इसमें मैंने डाल दी है प्याज। प्याज जो है वो दो मीडियम कट है, ठीक है। प्याज डाल के अच्छी तरीके से इसको लाइट पिंकिश कलर में ले आएंगे। प्याज मेरी जब तक ब्राउन हो रही है तो कुछ हम मसाले जो इसमें डालेंगे बस यही है, वो जीरा है, चाट मसाला है, नमक है, थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च है, हल्दी है, और मैंने जो है मोटी वाली लाल मिर्च ली है जिसको मैंने सीजर से हाफ कट कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं होगी। यहाँ पे प्याज का कलर जो है वो चेंज हो गया है तकरीबन। अब मैं ये सारे मसाले जो है अपने इसमें डाल दूँगी, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छा सा कलर इन्हेंस हो गया है इसमें से, ठीक है। अब जनाब ये हैं आलू। आलू को मैंने जो है इस सर्कल शेप में, कुछ ओवल शेप में काट लिए हैं। अब इसमें मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी आलू। यहाँ पर मैंने आलू शामिल कर दिए हैं। आलू तकरीबन मेरे जो है आधा किलो से ज़्यादा, तीन पाव के करीब है। अब इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आधा गिलास जो है वो पानी शामिल करूँगी और इसको 10 से 15 मिनट डेट लगा के मैं पकने के लिए रख दूँगी। जब अच्छी तरह से ये दम हो जाएंगे तो डिश आउट करेंगे, ठीक है। आलू में देख रहे हैं अब मैंने सिर्फ आधा गिलास पानी डाला और अब मैं रख दिया है। अब इसको 10 से 15 मिनट बाद देखेंगे। जनाब 15 मिनट्स हो गए हैं। मैंने सिर्फ इसमें जो है वो तीन हरी मिर्चों का इजाफा किया है। मेरी कतलियाँ दम हो गई हैं, चलें अब डिश आउट करते हैं। चल जनाब, कतलियों को कर दिया है डिश आउट। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को कीजिए लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।